देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि LikeNepal.com हम कोशिश करें अपने भाषा में बात करें। हम लोग पर शासन करते आए हैं, उन लोग का धर्म हो गया कि मतलब मदेशी को किसी तरह ही दबाना है, जैसे भी वो दबाना है। उन लोग उसको अपना कर्तव्य ठानते हैं और धर्म ठानते हैं, लेकिन हम मदेशी लोग जो मदेश के विषय में बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वैचारिक रूप से हम लोग कितना स्पष्ट है, राजनीतिक रूप से कितना स्पष्ट है। लोग तो खूब उठाए और उसमें 1300 समथिंग लोग शहीद हुए और हम लोग मदेशियों को सपना बांटे कि समग्र मदेश एक प्रदेश होगा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, स्वायत्त शासन होगा, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा राज्य के संपूर्ण निकाय में, धर्मनिरपेक्षता होगा और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर अर्थतंत्र होगा, किसी को गुलामी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इन नारा के साथ जनयुद्ध में मदेश में खास करके मदेशियों के बीच में हम लोग ये प्रचार किए और तो विचार तो हम लोग का आप लोग जानते ही है सब। राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन के सवाल पर लेनी जितना स्पष्ट है उतना और कोई नहीं था और उस विचार को हम लोग पकड़े थे, लेकिन हमारे नेतृत्व दूसरे समुदाय शासक समुदाय के रहे, समुदाय के हिसाब से तो विचार तो रहा, लेकिन जो मदेशी जनता को भावना को बुझना चाहिए वो नहीं बुझ पा रहा। मैंने बुझाए में विचार का समस्या है और ईमानदारिता का समस्या है। हम लोग मदेश का इशू जो उठा रहे हैं, हमारा नियत किसका क्या है उसका मापदंड तो खुद हम अपने से नाप सकते हैं और दूसरा परिणाम से नाप सकते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है, अब लगना तो वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मनोगतवादी भी हो सकते हैं कि मदेश के इशू पर हम लोग उतना ईमानदार नहीं है। ईमानदारिता जो शासक वर्ग के से आए नेता लोग में भी ईमानदारी का नहीं देखा गया और हम लोग शासित तो हैं, शासित समुदाय के लोग हैं, उसमें भी ईमानदारी का नहीं देखा गया। इसका परिणाम है कि मतलब आज हम लोग आंदोलन एक प्रकार से बहुत कमजोर हो गया। विसर्जन ही तो अभी नहीं कहना पड़ेगा और आंदोलन विसर्जन कभी नहीं होता, किसी न किसी रूप में वो जिंदा रहता, लेकिन एकदम कमजोर हो गया। जब जनता शहीद हो जाते हैं तो हम लोग उसके पास संस्कार में सहभागी होते हैं, कोई योजनाबद्ध आंदोलन नहीं लगता, काठमांडू में बैठ के हम लोग घोषणा कर देते हैं,
युवा लोग लड़ते रहते, पैच जाते, और युवा लोग लड़ते रहते, तीन इयर्स का युवा लोग लड़ते रहते। अभी तक के आंदोलन में पार्टी कार्यकर्ता जमा, मुझे जो मालूम है तो कार्यकर्ता शहीद हुए कार्यकर्ता के रूप में। एक संजय नाम का महेंद्र नगर का, जो सद्भावना पार्टी के सदस्य थे, संजय चौधरी से। दूसरा मोहतारी गांव के राम विनय यादव, तत्कालीन माओवादी, हम लोग जो माओवादी थे, अभी तो माओवादी केंद्र हो गए। बाकी सब तबका के लोग, किसी को तो घर पर ही थे, वो गोली मार, घर पर बैठे लोग को भी गोली मार दी। तो मुझे चिंता, हम लोग ये कार्यक्रम क्यों रखे, किसी का आलोचना करने के लिए नहीं, किसी को विरोध करने के लिए नहीं। आबादी हो, कांग्रेस हो, इमाले हो, रापरपा हो, सब एक ही टांग पर खड़े हो जाते थे। संविधान संशोधन का प्रस्ताव आया, माओवादी केंद्र के अध्यक्ष कमरेड परचम के नेतृत्व में, मतलब पांच नंबर क्षेत्र में, मतलब सीमांकन बारे में थोड़ा प्रस्ताव आया, हमारे पार्टी के नेता लगाए जो सभी जगह खड़ा हो गए युद्ध में। तो दुश्मन किस प्रकार लड़ रहा वो भी हम लोग नहीं देखे। हम लोग आंदोलन में थे, दिखाई पड़ रहा, तो इससे क्या होगा कि आपको इसी बहाने ये मंडले राष्ट्रवादी लोग मधेशियों को आपको बर्बाद करने के पक्ष में। योजना में आप सेना का बात, सेना का चीफ कम वो पॉलिटिकल लीडर जैसे भाषण करते हैं, सेना का चीफ जैसे कि यहां पर बहुत बड़ा लड़ाई होता हो, मतलब अलग मदेश बनाने का, अलग देश टुकड़ा करने का, उस तरह हमेशा वो भाषण देते हैं। मतलब जैसे होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पूरे युद्ध में लड़ाई में है कर, उस तरह उसका जितना भी वो बोलता है वो कहता है विखंडनकारी का किसी भी अति पर छूट नहीं दिया जाए। ठीक है, विखंडनकारी को छूट नहीं दो, तो मुझे तो शंका लगता है कहीं विखंडनकारी का जो नारा देता है वही लोग तो नहीं संचालन किया। विखंडनकारी जो मंडले राष्ट्रवादी सब है वो तो नहीं प्रेसिडेंट रहा, और उसी नाम पर मधेशियों पर दमन करे, मधेशियों को अधिकार से वंचित करे, मतलब ऐसा, मतलब मुझे शंका लग रहा, मेरे साथ कोई प्रमाण तो नहीं है लेकिन मुझे शंका लग रहा है। तो मैं पहले ही कहा था कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा। स्वायत्त शासन, अपना पर अपने ही शासन कर, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर अर्थतंत्र, इसका मतलब और के साथ नहीं, कुछ होगा सो वाली बात नहीं। अपने विकास के लिए किसी के साथ सहयोग भी ले सकते हैं, किसी के साथ ऋण भी ले सकते हैं, लेकिन अपना मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए लीजिए। ये सब एजेंडा के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर अगर पढ़ते हैं, और मेरा आग्रह है कि मतलब मोर्चा का नीति स्पष्ट हो, अगर मधेश के कांग्रेसी भी मतलब आते हैं आंदोलन में कहा नहीं आने दीजिए। और भाषा, भाषा तो कहा गया है कि भाषा अगर आपका समाप्त हुआ तो आपका पहचान समाप्त हो जाए, और यहां पर हो रहा है भाषिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में पूरे ये दमन हो रहा पूरा।
तो थोड़ा आंदोलन के पल पर भी हम लोग धोती लगा सकते हैं, थी लगा सकते हैं, जैसा मन हो वैसा ड्रेस लगा सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं था। देशवादी गुजर जाता था, पूरे खसवादी बनना पड़ता था। बाहर हिंदी भाषण जब मंत्री बनने पर आपको खस भाषा बोलना ही पड़ता था। उपराष्ट्रपति को देखने की मतलब बाध्य होकर फिर खस भाषा में लेना पड़ा, बेचारा त्याग भी नहीं सके। और ये भी नहीं कह सके कि मैं जो भाषा में लिया हूं वो नेपाली भाषा है, वो भी नहीं कह सके। तो भाषा को बचाना जरूरी है।